Hello student, how are you? I hope you all are doing well. Okay student, today we read chapter 3, Journey of Food. Chapter 3, Journey of Food. Okay? So, आप सब अपनी अपनी बुक निकाल के बैठ जाइए. आज हम chapter 3, Journey of Food read करेंगे. Okay? Let's learn about food from plates. Journey of food from field to our plate. ठीक है? हे राधिका, कैन यू नेम सम फूड आइटम दैट आर ग्रोन बाय अवर फार्मर. अभी राधिका को बोल, इसका नाम महिका है, ये राधिका को बोल रही है. हे राधिका, कैन यू नेम सम फूड, क्या तुम कुछ फूड के नेम बता सकती हो, फूड आइटम दैट आर ग्रोन बाय अवर फार्मर, जो हमारे किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं. Yes, Mika, our farmer grow many vegetables, fruits, cereals, pulses and many spices too. ठीक है, हमारे farmer बहुत सारे vegetables उगाते हैं, fruits उगाते हैं, दालें उगाते हैं and many spices, बहुत सारे मसाले उगाते हैं. Okay? So, ये जो chapter है, journey of food, कभी आपने सोचा है कि जो फूड है, आपकी जो थाली मम्मी लगा के देती है कि उसमें रोटी है, दाल है, सब्जी है, राइस है, वो आपके पास कहाँ से पहुँचता है? आई होप आपको पता होगा ये कहाँ से पहुँचता है. आप तो तुरंत आंसर दोगे कि मम्मा की किचन से आता है, मम्मा हमें बना के देती है. बट मम्मा की किचन में ये फूड कहाँ से आता है? फिर आप बोलोगे पापा बाजार से लेके आते हैं. ठीक है, बाजार से लाते हैं, तो बाजार में ये फूड कहाँ से आता है? ओके, सो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ फूड, कि फूड हमारे तक कैसे पहुँचता है. ओके, यस, फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड. जो फूड है हमारी बेसिक नीड है. इट गिव अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है टू वर्क, काम करने के लिए, रीड एंड प्ले, पढ़ने के लिए और खेलने के लिए. फूड इज एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ एज इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट. ओके, जो फूड है हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है एंड इट हेल्प अस टू स्टे, और ये हमें हेल्प करता है हेल्दी स्टे करने के लिए. ठीक है, एंड फिट, इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट. ओके, नेक्स्ट, फूड फ्रॉम प्लांट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम प्लांट्स. द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स. ओके, जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट्स से मिलता है. एंड एनिमल्स, और एनिमल्स से. प्लांट्स आर अवर बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ फूड. ओके, जो प्लांट्स हैं, जो हमारे बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ फूड हैं, उससे हम बहुत ज़्यादा खाना पा सकते हैं. फार्मर ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, जो फार्मर हैं बहुत तरह की फसलें बोते हैं, दैट वी ईट एज फूड, और जिसे हम खाने के रूप में खाते हैं. ओके, द फूड्स ग्रोन बाय द फार्मर आर फॉलोज. ठीक है, अब फूड जैसे फार्मर के द्वारा बोया जाता है कैसे है देखते हैं. ओके, फर्स्ट, फूड ग्रेन लाइक राइस, वीट, ओट्स, मिलेट्स, मिलेट्स होता है बाजरा, and corn which are called cereal are the food crops grown in our country. ठीक है, food grains like rice, जो grains रहते हैं like rice, wheat, गेहूँ, oats, बाजरा, corn which are called cereals are food crops grown in our country, ये सब हमारी country में, ठीक है, हमारी country में पाए जाते हैं, किसान इनको उगाते हैं. Different types of pulses are grown in our country. Different types, pulses होता है दालें, बहुत तरह की दालें हमारी country में grow करती हैं, in our country. ठीक है, next, groundnut, sesam, mustard in seed and sunflower are grown for cooking oil. Okay, ये सब cooking oil के लिए grown किए जाते हैं. Vegetables such as beans, carrot, onion, potato and tomato are some common vegetables grown in our country. Okay, ये जो सब्जियाँ हैं ये सब common vegetables हैं जो हमारी country में grow की जाती हैं.
एप्पल, बनानास, चेरीज, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स, मैंगोज, पपायास एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेड फ्रूट ग्रोन इन अवर कंट्री। ओके ओके स्टूडेंट, आज हमने लेसन थर्ड जर्नी ऑफ फूड का पेज नंबर 12 डिस्कस किया, रीड किया। ओके सो योर होमवर्क इज, आपका जो होमवर्क है, सो योर होमवर्क इज आपको 5 पल्सेस एंड 5 फ्रूट्स नेम अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। ओके दिस इज योर होमवर्क। यस नाउ टाइम टू से बाय 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 स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।